मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में सूर्य जब मकर राशि में आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। इस दिन को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर माघन मेले का आयोजन किया जाता है। मकर राशि के अवसर पर तिल गुड़ खाने खिलाने की परंपरा है। यह भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से अलग अलग रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के प्रमुख भागों में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. इलाहाबाद में गंगा यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह का मेला लगता है जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। इस समय था भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक। ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान करने की भी परंपरा है। बागेश्वर में बड़ा मेला लगता है। वैसे गंगा स्नान रामेश्वरम चित्रशिला व अन्य स्थानों में भी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान किया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान करने की अत्यधिक महत्व है।